हेलो एवरीवन वेलकम टू लाइव ऑनलाइन क्लासेस दिस इज प्रवीन टूडेज इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी इज वेंट्रल लीफ इज फाउंड इन डैश प्लांट्स ऑप्शन ए डाईकॉट ऑप्शन बी मोनोकॉट ऑप्शन सी थैलोफाइट्स और ऑल ऑफ़ द अबव वी नो दैट थैलोफाइट्स या जिन्हें हम थैलोफाइटा कहते हैं वो सारे ऐसे प्लांट होते हैं दैट डू नॉट हैव ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट आपकी हो जाती है इट मीन ऑल ऑफ अब भी नहीं होगा अब दो ऑप्शन आपके पास हैं डाइकॉट एंड मोनोकॉट वेंट्रल लीफ और दूसरी एक टर्म यहाँ पे यूज होती है दैट इज आइसोबाइलेट्रल लीफ ये अनोटमी ऑफ लीफ पे डिपेंड करता है यानी कि लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह का दिखता है उसी बेसिस पे ये टर्म्स यूज हुई डॉट सी वेंट्रल लीफ इस तरह की लीफ होती है जैसे मान लीजिए ये इसका अपर और लोअर सरफेस है आपको पता है सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिसिस पे प्रेजेंट होती है और बीच में वेस्कुलर बंडल होता है और यहाँ पे स्टूडेंट दूसरे कंपोनेंट होते हैं एक सरफेस पे इसके इस तरह से सेल्स सेल्स प्रेजेंट हम कहते हैं और दूसरी तरफ इस तरह से अगर राउंडेड हम स्पॉन्जी मिजोफिल सेल्स कहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं अब आप देख रहे हैं कि अपर सरफेस पे पिलर शेप्ड सेल्स हैं लॉन्ग सेल्स हैं लोअर सरफेस पे यहाँ पे स्पॉन्जी सेल्स आपको दिख रही हैं दो डिफरेंट तरह की शेप एंड साइज की सेल्स आपको दिख रही है इस तरह की लीफ अना को हम डॉर्सो या डॉर्सो वेंट्रल लीफ कहते हैं और अगर पूरी की पूरी लीफ में एक जैसी ही सेल्स मान लीजिए राउंड ही सेल्स पूरी लीफ में प्रेजेंट हैं तो उसे हम आईसो बाइलेट्रल लीफ कहते हैं वेंट्रल लीफ डी फॉर डोट वेंट्रल डी फॉर डाइकोट इस तरह से आप राइम करके याद रखेंगे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा कि मोनोकॉट में किस तरह की लीफ होगी जो दूसरी टाइप की है लीफ प्लांट्स is, तो ये इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन आपको ही आता है कि लीफ की जो अनोट रहती है ठीक है एक मैंने आपको जो दो सेल्स बताए वो स्पेशल तरह की सेल्स इसमें होती हैं जिन्हें हम कहते हैं मिजोफिल सेल्स सेल्स दो तरह की होती है अगर वो राउंड अगर वो पिलर शेप्ड है ठीक है राउंड को हम बोलते हैं सेल्स 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 और जो पिलर शेप्ड होती है है उनको हम बोलते हैं ठीक तो डायकॉर्ट्स में दोनों तरह की होती है और यूजली मोनोकॉर्ट में ये स्पॉन्जी सेल्स ही प्रेजेंट होती हैं और दोनों तरह की सेल्स प्रेजेंट होती है डाइकॉर्ट प्लांट्स में ये आपको ध्यान रखना है सारे एडिशनल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसके साथ डाइकोट ऑफ मोनोकॉट से कॉमन क्वेश्चन लीफ से ये भी पूछा जाता है वेनेशन से वेनेशन का मतलब होता है कि लीफ के अंदर ये जो वेन्स हैं या वेनलेट्स हैं ये किस तरह से अरेंज्ड होते हैं उस अरेंजमेंट को हम वेनेशन कहते हैं इस तरह के वेनेशन जो है जहां पे आपको अरेंजमेंट इस तरह का उलझा हुआ मिलता है इस तरह की वेनेशन को हम कहते हैं दैट इज रेटिकुलेट वेनेशन और अगर कोई लीफ है मान लीजिए इस तरह से और इस तरह की उसमें प्रॉपर ये पार्लर वनेशन होती है पार्लर वेनेशन को याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ पीएम ये मैंने पहले भी आपको एक क्वेश्चन करवाया था पी एम की आर डी कर दो ठीक है तो पीएम यानी कि पार्लर वनेशन इन मोनोकॉट आर डी मतलब वनेशन इन डायकॉट ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ये एग्जाम्पल के थ्रू भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दिस इज ऑल अबाउट फॉर टूडे मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में थैंक यू सो मच फॉर हैव नाइस टाइम एंड टेक केयर